नहीं और वो मतलब उनकी बुलंद वो है ना सो गुड मॉफर्निंग खुद भी तो भी वॉइस वैसी यू यू ऑल सो या वी कम टू डे नंबर ट्वेल्व जो हमारा पास्ट एंड प्रेजेंट का लास्ट चैप्टर है बिकॉज ये बुक इज डिवाइडेड इन टू थ्री सेक्शन वन टू ट्वेल्व विच इज अबाउट पास्ट एंड वॉट वी नाउ उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना जो पीछे जा चुका है जो करेंटली हमारे पास है क्योंकि कल से एक अलग जर्नी शुरू होगी जब बहुत अच्छे से हम पास का ग्रेटिट्यूड और जो हमारे पास अभी है, हम उसके लिए बहुत दिल से थैंकफुल हो जाते हैं उसके बाद अ न्यू जर्नी बिगिन अ ड्रीम गोल एंड कल से हम अपने ड्रीम पे वर्क करेंगे जो हमारे सपने हैं डिजायर्स है जो अभी तक हमने सोचे थे कि हमको पूरे करने लेकिन अभी तक हमको वो टू बिग लग रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा सो so, उन सब पे हम वर्क करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इतने बड़े बड़े जो हमारे सपने थे वो भी करंट रियलिटी हमारे बन जाते हैं, so, सो कल से हमारा दिन अलग तरीके से शुरू होगा हमारे बाकी के जो अगले दस दिन होंगे सो so, आज आज हमारा लास्ट डे है पास्ट को थैंक यू बोलने का जिसमें हम उन लोगों के बारे में सोचेंगे जिन जिन्होंने हमको जिंदगी में कभी हेल्प किया है जिनकी वजह से दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू हु वी आर टुडे और uh, किसी भी मायने में मतलब हो सकता है कि उन्होंने कभी गाइडेंस दी हो हमें हो सकता है कि जब अपने लोएस्ट टाइम uh, uh, पे जिंदगी में है तब उन्होंने आके हमारा हाथ थामा है या हमको सपोर्ट किया था या फिर हमारी लाइफ बहुत डायरेक्शनलेस चल रही थी हमको समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी जीने का तरीका क्या होता है एंडसडनली कहाँ से वो हमारी जिंदगी में अपेयर हो गए और um, उनकी वजह से हमारी जिंदगी बहुत ब्यूटिफुल हो रही है और होती ही जा रही है ठीक है तो ऐसे तीन लोगों को हम हमको चूज करना है आज हमारे लाइफ में हु हैव मेड अ डिफरेंस टू आर लाइफ एंड इन दिस इमेज ऑल्सो वी सी दैट देर आर थ्री पीपल इन दिस एल्बम सो एल्बम तभी होता है ना जब पुरानी मेमोरीज होती है एल्बम में फोटो इंसान तभी रखता है ना जब वो पुरानी मेमोरीज होती है तो इसीलिए ये एल्बम बना हुआ है ये सिग्निफाई करता है कि पास्ट में हमारी मतलब जो ये वाला जो लाइफ टाइम चल रहा है इसमें ऐसे तीन लोग जो एल्बम में है मतलब जो हमारी जिंदगी के एल्बम में है जिन्होंने किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूप में दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग अस हु वी आर टुडे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ और सक्सेस और वट एवर इट इज जरूरी नहीं है कि ये लोग uh, आप, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो इट जस्ट कुए और वहां पे कोई रैंडम पर्सन था यू अर मीटिंग हिम और हर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वहां पे लेकिन उसने आपको कुछ मदद की या आपको कोई रेफरेंस दिया या आपको अपने बारे में कुछ बताया कि इस तरह करके ये हो जाता है यू नो इट जस्ट कुड बी अ डॉक्टर In my case, it is a doctor who saved my life when I had passed I had passed away. <laughs> I, I, have all experiences of dying. <laughs> I had passed away because of a freak accident or something. And uh, so the one doctor who was my uh, you know like my family doctor, so it was 1:30 a.m. in the night, and she came and she did the surgery, although hope to thani. लेकिन इतनी मतलब बहुत ही उस सिचुएशन में जब किसी का बहुत मुश्किल से वो आर्टिफिशियल वो सीपीआर देके यू नो मशीन से वो हार्ट चल रहा था मेरा जैसे तैसे और वो भी कितना ब्लड प्रेशर मतलब पल्स थी ट्वेंटी अब वो ट्वेंटी पल्स जैसे तैसे, तैसे वो रिवाइव करके लाए ट्वेंटी मिनट्स के बाद आफ्टर आय पास डे और फिर मुझे रिवाइव किया वहां से मतलब उस ट्वेंटी पल्स में उन्होंने मेरी सर्जरी की So you know, so तो बुजुर्ग महिला थी उस टाइम अभी तो पता नहीं हुआ इस दुनिया में है कि नहीं है uh, तभी वो बहुत बहुत ही सीनियर सिटीजन थी एंड शी केम टू डू माई सर्जरी आई मीन लाइक बींग द हेड ऑफ द हॉस्पिटल शी डेंट नीड टू डू इट हर सेल्फ हर डॉक्टर्स वनी वन कूड हैव कम बट शी केम हर्सेल एंड शी परफॉर्म द सर्जरी खैर दस दिन उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं था बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्शियस बट देन आई ओव माई लाइफ टू हैड शी नॉट कम दई इवन बी ओके बट ठीक है आपका मिशन जब बड़ा होता है अगर आप अपने आप को बहुत यूजफुल बना के रखते हो तो आपको कोई ले नहीं सकता है न सो एवरी थिंग फेल इन टू प्लेस सो इट कु एनी बडी इन योर लाइफ सो थिंक अबाउट इट मतलब ये दिस ये वाली जो प्रैक्टिस है ना एकदम से ऐसे बैठ के नो अच्छा, really you know, जब कैसे क्या कब हुआ था पूरा स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स एंड देन यूलो लाइक यूल मैनेज टू फाइंड दोपल जरूरी एज आई as i mentioned है कि ये अ uh, कोई मतलब आप जानते हो उनको आप में भी नहीं जानते थे आप ऐसे रैंडमली मिले थे हो सकते हैं उसके बाद मिले भी ना हो है ना कुछ भी हो सकता है सो पीपल हु हैव मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइफ तो तीन लोग ऐसे चूज करने और सुनैना पड़ेंगे आज हमारे लिए जी हमारा गुड मॉर्निंग और आपका गुड इवनिंग सुनैना गुड <laughs> <तुण> इवनिंग दीप्ति <देते। laughs> आवाज आ रही है मेरी हां जी फर्स्ट क्लास ओके मैं ना वीडियो ऑफ कर दूं सम टाइम इट इंटरफेयर्स मुझे लगता है ठीक है अच्छा कोई बात नहीं डे 12 मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस एट टाइम्स आर ऑन लाइट गोस आउट एंड इज रिकैंडल्ड बाय अ स्पार्क फ्रॉम अनदर पर्सन Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us by Albert Schwitzer, Nobel Prize, Nobel Peace Prize winning, medical missionary and philosopher. Every one of us has received help, support or guidance from other people at particular times in our life. When we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you do not even. Sometimes you do not even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor. Nurse or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love for books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I, where I have lived throughout my life my grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you at the time i thought she was just touching me to be polite it was only later in my life i realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. she's not alive anymore but i continue to be grateful to her for the huge influence she had. On the course of my life. Thank you, Grandma. Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of, the, of your life <clears throat> excuse me make sure you do this magical practice with all three people in the one session because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level if you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude, nor receive the magical results. Here is an example of what you might say, Sarah. I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost, lost and confused that day, and your words touched me and lifted lifted me out of despair, because what you said. I found the courage to follow my dream and I moved to France to work as an apprentice chef. I'm living my dream and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sara. It's very important that you say the reasons why you are grateful. And you cannot say too much. Instead, the more you say and the more you feel. The more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that, first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude. Also attracts more wonderful things which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. <clears throat> magic practice number 12: Magical people who made a difference. Number one: count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number two, find a quiet place alone sometime during today and make a list of three people who made a difference in your life. Number three, work through the list one person at a time and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them, and exactly how they affected the course of your life. Last, number four, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much, Sunaina. So as it says here that this is one of the most powerful practices that can alter the course of your life. सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट जब किसी और के लिए इतने दिल से जब हम थैंक यू बोलते हैं फॉर द पर्सन और पूरे रीजन बता बता के जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना अः uh, सारा को इस पर्सन ने थैंक यू बोला था तो सारा ने इनको एडवाइस दी थी कि अपने फ्रांस जाओ और वहां पे अपना करियर परस्यू करो और इन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और आज ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन है तो वो सारा को याद करके उसको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने मुझे बोला था कि वहां पे जाके अपना करियर परस्यू करो है ना सो so, और पूरे रीजन बताए हैं आई जस्ट रीड दैट अगेन बिकॉज वो फॉर्मेट में हमको इस तरह से थैंक यू बोलना है मतलब इतनी डेप्थ में थैंक यू बोलना है हमको दो है ना आप एक बार दोबारा ये दो जी कौन सा यहाँ से सारा सारा ये okay. सारा को वो थैंक यू बोल रहे हैं और आप देखो इतनी डेप्थ में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक लाइन बोल के छुट्टी कर दी निपटा दिया इट्स नॉट लाइक दैट यू रियली हैव टू डीप डाइव एंड थिंक अबाउट की उस पर्टिकुलर हेल्प एडवाइस यापोर्ट के कारण कितना डिफरेंस आया अभी जिंदगी में है ना पूरा डिटेल में बताना है हाँ जी ये वाला सारा ओके सारा आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दाइम दैट यू एनकरेज मी टू फॉलो माई हार्ट आई वॉज लॉस्ट एंड कंफ्यूज दैट डे एंड योर वर्ड्स टच्ड मी एंड लिफ्टेड मी आउट ऑफ डिस्पेयर

और बहुत ध्यान से इसको करना होगा तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा कोट है आई एम श्योर हम सबको अच्छा लगता है कि कभी कभी होता है लाइफ में दैट पर मुझे ना वो सेंटेंस बिल्कुल पसंद नहीं है दैट लाइफ हैज डोंट लाइक इट दैट लाइफ हैज ओनली अप्स वो डाउन थोड़ी होता है जो डाउन आता है वो आपको अप अप धक्का कभी कभी ना हम स्लो पर जाते हैं जिंदगी में तो फिर कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें जिसमें हमको धक्का लग, लगता है यू you नो know, ताकि हम और प्रॉपर हो अपवर्ड्स क्या जैसे स्पेसशिप जब ऊपर जब रॉकेट ऊपर जाता है तो नीचे से फायर का थ्रस्ट आता है बिकॉज ऑफ दैट फायर इट इज इट मूव अपवर्ड्स है ना हैनी फायर डाउन दैट इट वैव सो ऑल लिटल प्रॉब्लम लाइफ नो जिसको हम अप्स एंड डाउन बोलते हैं तो जो जितने भी डाउनर मोमेंट्स है

कभी ऐसे लगता है कि वॉट्स हैपनिंग कौन से डायरेक्शन में जाओ पैसे नहीं है ये नहीं है सो कभी ऐसे सिचुएशन आती है ठीक है उस वक्त कोई और हमको आके सपोर्ट करता है गाइडेंस देता है हेल्प करता है आ, साथ खड़ा रहता है बिल्कुल तो वो उस तरह से वो दूसरा पर्सन हम इज गिविंग अस अ स्पार्क एक चिंगारी दे रहा है लेकिन उसकी वजह से आ, you know, हमारी हमारी बत्ती दोबारा जग जाती है जल जाती है

कुछ लोगों के लिए आपके दादू दादी या नाना नानी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए आपके कोई अंकल हो सकते हैं फर्स्ट अंकल और कभी कजिन कभी बेस्ट फ्रेंड यू नो कुड बी जस्ट हु इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग हु वी आर टूडे सो बहुत बार हमने इस तरह की हेल्प सपोर्ट गाइडेंस इस तरह से रिसीव किया हुआ है जब हमें उसकी बहुत जरूरत थी हमें पता नहीं था कि उसकी वजह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी okay so because of that our journey gets altered because of that encouragement or guidance and that person is there at the right time i mean like the universe always sends people to communicate things to us so they are gods and angels only so god speaks from someone's mouth right it's always like that so

इट कुड बी योर कोच जैसे आपने से बहुत सारे लोग आज भारती जी को थैंक uh, यू बोलेंगे बिकॉज उन्होंने इतने लोगों को ये ग्रुप ज्वाइन करवाया है और जिन लोगों को करवाया है पता नहीं उनका इंटेंशन इतना स्ट्रांग था और वो खुद गॉडस एंड एंजल है कि उनकी जिंदगी में इतना डिफरेंस आ रहा है, है न सो so, इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे ना आपकी जिंदगी में तो उससे उनको कुछ नहीं मिल रहा भारतीय कुछ नहीं मिल रहा है ठीक है बट उनका इंटेंशन कि आपकी जिंदगी बदले ये उनको कहीं से कहीं पहुंचा देगी मतलब सिर्फ ये जो इंटेंशन है बहुत ही सेल्फलेस तरीके का इस तरह से ऑल दोस्त प्रियंका द वे इज डूइंग एंड अपने स्कूल में वो ग्रेटिट्यूड लेके गई और वहां उन सबकी जिंदगी बदल रही है बच्चों को वो प्रैक्टिस सिखा रही है यू नो सो दो मच यू नो सो ऑल दो पीपल आर गोन टू रिमेंबर हर टूडे यू नो दैट मैम ने बताया था ऐसा और उसके बाद लाइफ इज नॉट द सेम अगेन फॉर श्योर अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं ना इन प्रैक्टिस में हाँ अगर स्पोरेटिकली करते हैं कभी करो कभी नहीं करो तो फिर मोमेंटम बिल्ड ही नहीं होता है फिर हमारी जिंदगी बहुत इट्स नॉट ओनली आप आप फिर अप्स एंड डाउन आते रहेंगे ठीक है लेकिन इफ यू डू इट कॉन्स्टेंटली एवरी डे विदाउट फेल ऑन प्रियोरिटी देन दी विल नॉट गेट डाउन आई मीन द डाउन विल नॉट लुक लाइक डाउन बिकॉज वी विल नो एक्सैक्टली हाउ टू डील विद दैट सिटुएशन आपके टीचर हो सकते हैं आपके कोच हो सकते हैं अंकलिंग सिबलिंग मतलब ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी फैमिली कोई डॉक्टर हो सकता है नर्स हो सकते हैं बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है कि आप जानते भी नहीं हो, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आपको अपने स्पाउस से इंट्रोड्यूस कराया और उनकी वजह से आपकी शादी हुई ठीक है कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपको अपना ग्रेटेस्ट पैशन यू नो लाइक परस्यू करना सिखाया मतलब परस्यू करना सिखाया एज इन आप अपना पैशन फॉलो कर पाए उस पर्सन की वजह से कभी हो सकता है वो जिंदगी में वो पर्सन आपकी जिंदगी में बहुत छोटे टाइम के लिए आया हो लेकिन मतलब उसने आपकी जिंदगी बदल दी यू नो टू द कोर सो कोई भी चीज हो सकती है जैसे इन्होंने रोंडा बर्न ने बताया तो रोंडा बर्न किस लिए फेमस है पहले तो बुक्स और दूसरा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस पूरी दुनिया के सामने इतनी डेप्थ में लेके आने के लिए और ये दोनों चीजें इनको इनकी ग्रैंड मदर ने दी थी ठीक है तो इसीलिए आज वो अपनी ग्रैंड मदर को थैंक यू बोल रही हैं कि कहती है कि मेरी जो किताबें पढ़ने का शौक है और उस शौक के कारण मैंने किताबें लिखना शुरू किया वो उनकी ग्रैंड मदर की वजह से था एंड द सेकेंड दैट उन्होंने उनको विद स्टील हैंड ग्रैटिट्यूड सिखाया मतलब मदर इन लॉ ने मदर ने सॉरी ग्रैंड मदर ने ग्रैंड मदर ने उनको एक स्टील हैंड से ग्रेटिट्यूड सिखाया मतलब बहुत डेप्थ uh, में बहुत ही पावरफुल ग्रेटिट्यूड सिखाया तो बचपन से वो अपनी ग्रैंड मदर से ग्रेटिट्यूड सीख रही थी तो अब देखो वो किस तरह उनकी जिंदगी में आया है ना सो दिस इज हाउ इट इज सो दैट चेंज सो इसीलिए वो अपनी ग्रैंड मॉम को थैंक यू बोल रही है क्योंकि वो कहती है कि मेरा जो ये लव ऑफ बुक्स था दैट माई ग्रैंड मदर गेव टू मी यू नो दैट लेड मी टू बिकमिंग अ राइटर और उनको कंट्री साइड बहुत पसंद था कुकिंग उनकी ग्रैंड मदर बहुत अच्छी करती थी उन्होंने इनको सिखाया तो कुकिंग बर्न का पैशन है तो वो भी उनको ग्रैंड मदर से ही आया था तो इस तरह आज वो अपनी ग्रैंड मदर को थैंक यू बोल रही है यू नो बिकॉज उनकी वजह से जो है वो आज है तो इस तरह से आज हमको तीन लोग चूज करने हैं और ती... किस, ये दिन में किसी भी टाइम करने की प्रैक्टिस है इट इज नॉट अ मॉर्निंग प्रैक्टिस लेकिन आपको बहुत आराम से शांत दिमाग से बैठना होगा ये प्रैक्टिस करने के लिए तरीका ये है इसमें हमको फोटो नहीं चाहिए होगी ठीक है हमको बस एक जगह बैठना होगा और थोड़ा डीप ब्रीथ कर लो उससे दिमाग शांत जाता है और उसके बाद पहले पर्सन का नाम लेके उससे ऐसे बात करनी है एज इफ वो आपके सामने बैठा हुआ है ठीक है इस तरह से बात करनी है इफ वो बिल्कुल आपके सामने बैठा हुआ है और जैसे ही आपने फर्स्ट पर्सन को थैंक यू बोल दिया उसके बाद सेकेंड पर्सन से बात करनी है आपको यू you नो know, फिर पूरा डिटेल में बताना है कि जिस दिन आपने ऐसा किया मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन मुझे आपकी बात नहीं समझ आई लेकिन बाद में उसकी वजह से यू नो आई आई टुक योर एडवाइस एंड आई डिड दैट थिंग उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई और आज मैं इस करियर या इस मुकाम पे हूँ बिकॉज आपकी उस एडवाइस के कारण जो आपने मुझे आज से ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव पहले दी थी यू you नो know, इस तरह से फिर आप थर्ड पर्सन से बात करो एज इफ आप वो सामने बैठे हुए you know, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने मेरी इतनी ज्यादा सेवा की आप ऑफिस जाते थे या जो भी है नहीं भी जाते थे लेकिन उस वक्त इतना काम आपके पास होता था लेकिन फिर भी आपने बहुत डिलीजेंटली रोज मेरी ड्रेसिंग करी मेरा ध्यान रखा मेरा खाने का स्वाद अच्छा नहीं था लेकिन आपने मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाया और जिस तरह से सुबह रात भर आप मेरे साथ जागते थे मेरी मुझे हेल्प करते थे स्कूल का हमेशा आपने मेरा इतना ध्यान रखा या जो भी आगे आपको जो बोलना है जो भी सिचुएशन थी आपकी तो वो ऐसे आप करके बोलना है एज वो पर्सन सामने बैठा हुआ है और फिर थैंक यू मम्मी या थैंक यू जो भी रोहित नाम है तो थैंक यू रोहित इस तरह से एंड करना है सो दिस इज हाउ इट इज टू बी लाइक और इसमें है दैट तीनों का इकट्ठे करना है ठीक है मतलब ये वाला जो सेशन होता है तीनों से जो हम बात करेंगे वो एक सेशन में ही करना है विथ ऑल थ्री पीपल बिकॉज ये फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टू अ फार डीपर लेवल लेके जाएगा और देन यू सी योर लाइफ फॉर एग्जाम्पल अभी दोबारा से हमने पढ़ा था इस तरह से और इसमें लिखा हुआ है जितना ज्यादा बोल सकते उतना बोलो बिकॉज यू कैन से टू मच इसका मतलब होता है कि इस प्रैक्टिस की आप कभी भी अति नहीं कर सकते थैंक यू की कभी अति नहीं होती है मतलब यू कैन डू एक्सेस ऑफ इट द मोर यू डू इट विल स्टिल बी लेस ओनली सो ट्राई एंड यू नो गेट इन टू मोर डेप्थ आप अच्छे से करो एंड यू विल सी इट सेज दैट जितना अच्छे से आप ज्यादा बोलोगे और जितना फील करोगे ना उतने अमेजिंग रिजल्ट होंगे और आप देखोगे की मैजिक आपकी जिंदगी में एक्सप्लोर्ड हो रहा है एक्सप्लोर्ड का मतलब हो जाता है विस्फोट हो रहा है <laughs> तो ग्रैड मैजिक का विस्फोट होगा हमारी जिंदगी में कितना अच्छा है यह yeah, एफर्मेशन हो सकता है न और इसमें लिखा हुआ है एक लाइफ लाइन दिखी हुई है अगर आप इस पोजिशन में नहीं है कि आप जोर से बोल सकते हैं तो आप इसको लिख के कर सकते हैं एज इफ आप एक लेटर लिख रहे हैं किसी को ठीक है वैसे भी कर सकते हैं बट वो सेकेंडरी ऑप्शन है हमको पहले वाला ही करना है बिकॉज अब बोलना और विजुलाइज करना और मन में फील करना इसमें हमको मास्टरी करनी पड़ेगी क्योंकि हम वैसे भी दूसरी बुक जो कर रहे हैं क्रिएटिव विजुलाइजेशन उसमें लिखने का कुछ भी नहीं है उसमें मास्टरिंग द माइंड है है ना तो ये अब हमको अलग लेवल पे करना है जहां पे है लिखा हुआ है ऑप्शन दिया हुआ है लिखने का बट ट्राई टू डू इट द वे द बुक टेल्स अस टू डू बिकॉज तभी हमारा कल से फिर वो थोड़ी मास्टरी आने लग जाएगी बिकॉज कल से हमको सब कुछ विजुअलाइज करना है मतलब इमेजिनेशन में करना है इमेजिन करना है तो हमारी इमेजिनेशन बहुत जरूरी है हमको मास्टर करनी बिकॉज दैट अप अपर थॉट एंड वी आर एबल टू कंट्रोल अगर इमेजिनेशन अच्छी होती है ना तो हम अपने थॉट्स एंड इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं ठीक है बहुत अच्छे से अपने दिमाग के स्टेरिंग व्हील को उस डिरेक्शन में जिसमें हम ले जाना चाहते हैं वो ले जा पाएंगे इसलिए कोशिश करो कि बोल के ही करो ठीक है और इसमें लिखा हुआ है कि जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे आपको बहुत डिफरेंस लगेगा अपनी फीलिंग फ्रीक्वेंसी में बिकॉज आप अंदर से खुशी महसूस करोगे और ये प्रैक्टिस करने के बाद आप देखना कि जिंदगी में किस तरह के लोग आपके पास आएंगे और किस तरह से उनकी एडवाइस उनका सपोर्ट या फिर जो भी तरीके से वो आपके लाइफ में हो सकते हैं दे विल स्टार्ट चेंजिंग द कोर्स ऑफ आ लाइफ मतलब आप कभी प्रॉब्लम में रहोगे में ऐसे लगेगा कि गॉड इज ऑलवेज सेंडिंग वन एंजल इवन बिफोर द प्रॉब्लम कम्स एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज है ना तो एंड देन वी विल बिकॉज ये लॉ लॉ ऑफ एसोसिएशन होता है तो आपके जिंदगी में छप्पर फाड़ के वंडरफुल थिंग्स होती जाएंगी सो इट्स इज द मैजिक ऑफ लाइफ एंड दैट्स द मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इट्स एक्चुअली ब्यूटिफुल सो प्रैक्टिस बस यही है काउंट योर ब्लेसिंग्स सुबह जो हम कुछ लोग कर चुके हैं कुछ लोग करेंगे अभी और दस ब्लेसिंग्स लिखनी है हम रोज देखते हैं हमारी जिंदगी में अभी क्या है वो हम इसमें लिखते हैं या फिर कल या परसों में क्या ऐसा हुआ था जो बहुत अच्छा लगा और उसको री रीड करते हैं और तीन बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं और आज की प्रैक्टिस जो है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है कि एक शांत जगह ढूंढो और दिमाग शांत करके बैठो और तीन लोगों को चूस करो जिन्होंने आपकी जिंदगी बदली है सोचो अगर नहीं याद आ रहा है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो जवाब मिल जाएगा क्योंकि आज से थर्टी इयर्स पहले अगर कोई ऐसा पर्सन था जिन्होंने हेल्प किया या वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग ऐसे एकदम याद नहीं आता तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो किसी का चेहरा आ जाएगा कोई नाम आ जाएगा कोई इमेज आ जाएगी कुछ ना कुछ ऐसा ठीक है और फिर तीनों से आउट लाउड बातें करूं बोल के एज इफ वो सामने बैठे हैं एक एक करके बट एक ही सेशन में तीनों से बात करनी है और ये उनको बताना है कि कैसे उनकी वजह से आपकी जिंदगी बदली और आपको डायरेक्शन मिली एंड लाइफ इज नॉट द सेम अगेन और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस ध्यान से ही वाली प्रैक्टिस करना सोच सोच के कुरेद कुरेद के निकालना कि फिर क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ था अच्छा फिर मैं अपने नेबर से मिली उसने मुझे गुड मॉर्निंग बोला बहुत टाइम के बाद मिली थैंक यू फिर उसके बाद क्या हुआ था ये किया थैंक यू सो मच फिर उसके बाद क्या हुआ था फिर मैं कार से यहाँ से वहां गई कितनी स्मूथ राइड थी वहां जाके ये काम था बहुत अच्छा लगा इस तरह ये बहुत ध्यान से ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी होती है अगेन ये निपटाने वाला काम करना छोड़ दे छोड़ देंगे अब हम ठीक है कि बस खत्म करो मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी चलो चलो नहीं अम्म ये सब फीलिंग फ्रीक्वेंसीज और ये हमारी सबकॉन्शियस को फ्यूएल है या हमारा ये प्रैक्टिस हमारी सबकॉन्शियस की फ्यूएल है

कल उन्होंने बताया था कि अगर बहुत आपको रेजिस्टेंट थॉट्स आ रहे हैं या इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो रही है किसी चीज से और आपको विजुलाइज नहीं किया जा रहा मतलब डेस्परेशन वाली सिचुएशन आ रही है जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए वैसे वाली या आपको लग रहा है ब्लॉक्स है आपके कि वो चीज मेरे पास नहीं आएगी क्योंकि बहुत टाइम से नहीं आई है सपोज आपकी आ, मतलब वट एवर एज इट इज आप दस साल से अपने लिए ढूंढ रहे हो पार्टनर ढूंढ रहे हो और अभी तक नहीं आया आपके पास या तीन चार बार आए लेकिन बात नहीं बनी एंड यू सो नाउ देयर वुड बी अ रेजिस्टेंट थॉट इन विजुअलाइजिंग अ पार्टनर इन योर लाइफ है ना तो उसके बारे में बताया हुआ है कि अगर uh, वैसे रेजिस्टेंट थॉट्स आ रहे हैं तो आपको कुछ एफर्मेशन उससे रिलेटेड यूज करने हैं जो हमने कल पढ़े थे ये वाले इनमें से कोई सागजाम्पल दिए हुए या फिर आपका कोई सा भी हो सकता है और ये जनरल वाले सपोज यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने पांच छह बार लड़के देखे या लड़की देखी आपको नई बात जमी सो यू कुड नॉट गेट अ पार्टनर है ना जिसके कारण शादी नहीं हो पाई या लास्ट मोमेंट तक कुछ हुआ था तो चूज वन ऑफ दीज इज you know, तो नहीं किया जा रहा है एफर्मेशन के साथ visualize कर लो या एफर्मेशन बार बार बोलो सबकॉन्शियस माइंड को तो ये पता नहीं है कि वॉट इज ट्रू वॉट इज फॉल्स वो तो जो आप बोलोगे वो एक्सेप्ट कर लेता है, है ना और डेस्टिनी हमारी सबकॉन्शियस माइंड ही बनाता है तो इसलिए आप चूज करो लाइक यूनिवर्स इज एंड फोल्डिंग परफेक्टली आई डोंट हैव टू हैंग ऑन

टैटू करने का मतलब होता है कि डीप सीटेड करो उसको एनग्रेव कर लो कि वो हट ना पाए है ना सबकॉन्शियस माइंड में वो रिपिटेशन से होगा रिपिटेशन करते रहोगे सबकॉन्शियस को सही गलत तो पता नहीं है वो बिलीव करेगा और उसी हिसाब से रिजल्ट हो जाते हैं आपको है ना सो so, ये चूज करके उससे फिर दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा और आपको बिलीवेबल लगने लग जाएगा फिर अब हमको यहां से पढ़ना है तो ये कल का बैकड्रॉप था हाँ जी मीतू आप पढ़ रहे हो yeah. You may find some of the clearing processes I give later helpful, and I refer you to my recommended reading list for books that may offer help and insight. Of course, it is perfectly okay to creatively visualize some things to which you have a lot of emotional attachment, and it will often work quite well. But if it does not, realize that. You may be attempting to visualize something out of fear of what may happen if you don't get it. In this case, it is important to relax and accept your feelings, accept the idea that you may not immediately realize your goal, look more deeply into your fears, and understand that resolving the conflict is probably an important area of growth for you. And a wonderful opportunity to get to know yourself on a deeper level. At any time while doing creative visualization, if you get a feeling that you are trying to force or push something that doesn't want to happen, back off a little and ask your higher self whether or not this is really the best thing for you or whether or not you truly desire it. You may not.

जिसके बारे में विजुलाइज नहीं किया जा रहा है आपको मतलब आप रेजिस्टेंट थॉट्स हैं या ब्लॉकेजेस हैं या पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं तो वो मुश्किल आती है ऐसे में यू नो लाइक विजुलाइज करने में तो ऐसे में कभी कभी किया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है वो कह रहे हैं करने की कोशिश तो करो किया जाएगा और अगर नहीं किया जा रहा है तो डोंट पुश योर सेल्फ टू मच ठीक है तो इसमें हो सकता है तो ऐसे में टर्न टू योर सबकॉन्शियस माइंड आज क्यों और सर कभी भी आपको कोई वैसा कुछ क्वेश्चन है आ, पूछना है या कोई चीज है जो आपको लेट गो नहीं की जा रही है या आप बहुत परेशान हो किसी चीज को लेके और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आप वो जो क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में चल रहा है अः यू नो या वो सिचुएशन को कैसे रिजोल्व करना है ये सोने के पहले आप सबकॉन्शियस माइंड को दे दो हमने पावर बुक में पढ़ा था सबकॉन्शियस माइंड you know, ये दोनों हमने पावर बुक में पढ़ी थी रॉन्डा बन की है, जो है. तो उस को ध्यान में रखते हुए हम ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं जो शक्ति गबेन भी बोल रही है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए आगे है ना या मुझे मतलब जो भी सिचुएशन है उसके बारे में कि इसका रास्ता कहाँ पे होगा अगर आपको ये पूछना है कि मैं ये डिसीजन ये वाला लू कि ये वाला लू ये भी आप अपने आप से पूछो ठीक है मुझसे भी मत पूछो देखो मैं तो अपनी ह्यूमन विजडम से बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के कार से बताऊंगी है ना लेकिन आपकी लाइफ अलग है हो सकता है किसी और का गाइडेंस उस वक्त मतलब अगर किसी और से भी कहलवाना होगा ना तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड आपको किसी और के मुंह से बुलवाएंगे लेकिन क्वेश्चन आपको इन ही पूछना है आउटवर्ड आपको कभी किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा ठीक है जस्ट क्वाइट योर माइंड एंड अगर आपको थोड़ा मेडिटेट किया जाता है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो नहीं तो रात को ये क्वेश्चन पूछ के सो जाओ ठीक है और आपको सुबह उठ के मे बी सेम डे या फिर अगले दिन जवाब जरूर मिलेगा ठीक है बट माइंडफुल रहने की जरूरत है तो इसीलिए परेशान रहने की कोई जरूरत नहीं है कल मेरे पास किसी का मैसेज आया था कि उनको कुछ सिचुएशन थी और उनको कि मैं क्या करूं इस बारे में आज सुबह जब मैं उठी फिर से एक मैसेज आया बुकअप विद दैट मैसेज कि मेरी ये सिचुएशन चल रही है मैं क्या करूं तो मेरा आप दोनों के लिए यही जवाब है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको चाहिए आप प्लीज उसको या तो ड्रीम लिस्ट में लिख लीजिए और तीन महीने तक भूल जाओ ठीक है वो ड्रीम लिस्ट में डालो और चाबी फेंक दो आप नदी में अब आप चुपचाप ये तीन महीने तक प्रैक्टिस करो एंड यू विल सी अज डिफरेंसिंग इन योर लाइफ आफ्टर थ्री मंथस है ना वैसे तो ट्वेंटी वन डेज में ही डिफरेंस आ जाता है बिकॉज डेज की बहुत पावर होती है इसीलिए कभी कभी जब मैं आपको बोलती हूँ ये एफमेशन लिखो बट एफमेशन में नए लोगों को नहीं बोल सकती एफमेशन ऐसे नहीं होती एफमेशन के लेवल तक पहुंचना उसमें आपको एक ग्रेटफुल हार्ट की बहुत जरूरत होती है बिकॉज नहीं तो वो हो जाएगा कि आप एफर्म कर रहे हो आई एम आई एम हेल्दी वेल्दी रिच प्रॉस्परस और वट एवर ठीक है और पूरे दिन आपको पैसे के साथ कलेश हो रहा है आप किसी को पैसा दे रहे हो आपके मन में हो रहा है ओ oh गॉड मेरा इतना खर्चा हो गया फिर उसके बाद कोई डिलीवरी आई आपको उसमें पैसे देने हैं तो अच्छा ओ मैंने तो सोचा था कि सेवन हंड्रेड रुपीज में आ जाएगा ये तो पंद्रह सौ रुपए जा रहे हैं ओ गॉड तो अभी तो वो लेवल ही नहीं आया ना पैसे के साथ अपना रिश्ता ही नहीं बना है तो फिर एफर्मेशन बार बार आप करोगे आई एम प्रॉस्परस मनी इज कॉन्स्टेंटली कमिंग टू माई लाइफ वो नहीं होगा बिकॉज आपके सारे थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन उस एफर्मेशन के साथ अलाइन होने चाहिए नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड से रेजिस्टेंस आ रहा है और जो आप बार बार एफर्मेशन कर रहे हो तो वो पूरा नहीं होता है ऐसे नहीं हो फिर आपको लगेगा कि देखो मैं मैं इतने टाइम से एफर्मेशन कर रही हूँ ट्वेंटी तो मेरे कब के हो गए लेकिन मेरे पास क्यों नहीं हो रहा जिन लोगों का ट्वेंटी वन डेज के बाद जिंदगी बदल रही है वो लोग सारे मास्टर है मैजिक बुक के मतलब वो पूरे दिन भर में पांच छह दस प्रैक्टिस करते हैं मतलब मैजिक डस्ट भी चलता रहता है उन लोगों की जिंदगी में मैजिक वन भी चलता रहता है कहीं बाहर जाते हैं मैजिक फूड स्टेप्स वो इन एडवर्टाइटली करते रहते हैं तो ये सब मास्टर लोग हैं जो एफर्मेशन से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं क्योंकि इनके सबकॉन्शियस में के भर चुका है इनकेट नाउ दे आर एबल टू कनेक्ट मतलब फिर क्योंकि ये पता है हमको कि हमारे थॉट वर्ड एन एक्शन से होने चाहिए है ना तो इसलिए अगर आप बिगड़र है तो इसीलिए मैंने कल भी बोला था और जिनका मैसेज आज भी आया था कि ड्रीम लिस्ट में डालो ठीक है आपको सिचुएशन पैसे की है आपको जॉब की है आपको जिस भी चीज की है डालो और अगर आपको जॉब या बिजनेस का है तो इसमें जॉब या बिजनेस की बजाय आप पैसे uh, मतलब यू नो राइट दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीविंग एवरी मंथ आई वुड एडवाइज दैट क्योंकि पैसे आपकी जिंदगी में आने का रास्ता ढूंढ लेता है ठीक है तो हो सकता है वो बिजनेस से हो हो सकता है आपकी किस्मत में जॉब ही नहीं हो सबकॉन्शियस हो सकता है सबकॉन्शियस कह रहा है कि ठीक है आपने दस साल से जॉब करी है लेकिन सबकॉन्शियस को ये पता है कि आपका फ्यूचर क्या है, है ना तो सबकॉन्शियस को ये मालूम है कि आपकी किस आपकी जो लाइफ है किस्मत डेस्टिनी वेवर यू माइट से उसमें बिजनेस में बहुत ग्रोथ है और सबकॉन्शियस को ये पता है कि आज से दो साल के पहले अब दो साल के बाद टू इयर्स लेटर यू विल बी हैविंग अ वेरी फ्लारिशिंग बिजनेस एंड दैट विल बी योर इकेगा ओके okay, बिकॉज वो पैशन के साथ आपकी जिंदगी में आएगा और वो बिजनेस इतना थ्राइव करेगा कि आप बिलियन बन जाओगे उससे ये सबकॉन्शियस को दिख रहा है और आज क्या है कि आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो है ना तो इसीलिए मैं नॉर्मली अगर मैं पर्सनल एडवाइस करूं तो मैं कभी भी जॉब या उसके लिए एडवाइस नहीं करती मैं हमेशा पैसे के लिए करती हूँ कि यू यू राइट इन योर डिजायर लिस्ट थैंक यू जो हम जिस तरह कल दिखे कल लिखेंगे ना आप कल तक वेट करो है ना उससे बात करके भी कुछ नहीं होगा कुछ मैं भी वही बताऊंगी जो हम कल वाले चैप्टर में करेंगे सो so, कल का है मेक ऑल योर कम ट्रू तो जिन जिन लोगों के पास हैं और वो ट्रू नहीं हो रही है वो कैसे करना है कल से वो हमारी जर्नी शुरू होगी ठीक है तो वो वाला जो है कल से आपकी वो आपकी कल कल भी मैंने आपसे बात की थी और आज भी की थी दिस विल हैपन ओके मेक ऑल योर विशेष कम ट्रू में हम कल अपने दस डिजायर्स लिखेंगे और उस पे वर्क करना शुरू करेंगे तो अभी उस पर फोकस करो एंड डू द मैजिक बुक प्रैक्टिस टू 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 एंड थ्री टाइम्स उसके बाद आप सोचो अब एफर्मेशन करने का इसीलिए मैंने आपको कल भी एफर्मेशन नहीं बताई थी और आज भी जिनका आया वो लग रहा है कि बहुत बिघना क्वेश्चन है बिकॉज ये बहुत छोटी सी चीज है है ना कि मतलब जिसके कारण आप इतने परेशान हो रहे हो यूनिवर्स के लिए वो तिनके के बराबर भी नहीं है तो आप सोचो ही मत भूल जाओ इसको आप अपने ड्रीम लिस्ट में डालो और पैसे के लिए लिखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई एम रिसीविंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी विथ एंड जॉय एवरी मंथ ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस दैट्स इट ठीक है आप पैसे को पता है कि उसको आपनी, आपकी जिंदगी में आने के लिए वॉट पाथ इट हैज टू टेक वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है ठीक है आपको यूनिवर्स को और पैसे को बताने की जरूरत नहीं होती पैसे की फ्रीक्वेंसी वैसे भी बहुत हाई होती है और पैसा वो आता ही नहीं है जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते फ्रीक्वेंसी वाइज एनर्जी वाइज इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि यू नो लाइक अब बी अबव द लाइन टेक केयर ऑफ दैट फीलिंग चार्ट एंड ऑलवेज बी अब द लाइन बी इन ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी मैच करती है यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से और पैसे की फ्रीक्वेंसी भी वहीं पर होती है ठीक है so, सो इसलिए आपको अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा बाय बी इन ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम सो तीन चार पांच प्रैक्टिस करो जितनी भी हैं इसमें काउंट माई ब्लेसिंग है मैजिक डस्ट है अभी आगे जाके मैजिक बॉन्ड पढ़ेंगे तो जितनी भी अभी पढ़ी है मैजिकल रिलेशनशिप्स है ठीक है उसमें वो करते जाओ करते जाओ रोज करो अपने आप को डुबो दो उसमें और फिर देखो कि जिंदगी कितनी बढ़िया स्टेयर होती है इन इन अ ब्यूटीफुल डायरेक्शन एंड लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन ओके सो दिस इज माय एडवाइस टू एवरीबडी हु विथ यू नो लाइक मनी और करियर और हेल्थ और वट इट इज फॉर दैट मैटर एंड कल हम सीखेंगे ना लिखना फिर उस पे वर्क करेंगे तो है, universe, आपको, अगर आपको रेजिस्टेंट थॉट आ रहे हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो कि क्या वॉट कोर्स शुड आई टेक अगर आपको बहुत पैसा कमाना है आपको लग रहा है दैट यू रियली नीड टू रिसीव ऑफ मनी और मनी के बहुत वो सबकॉन्शियस माइंड से आप पूछो इन्फिनिट पावर ऑफ माइंड सबकॉन्शियस माइंड प्लीज रिवील टू मी डिफरेंट वेज एस टू हाउ आई कैन मेक यू नो फाइव लैक तो आप पूछो आपको जरूर जवाब मिलेगा या आपको कोई पर्सन मिल जाएगा जो इस तरह का काम देगा जिसमें आराम से आप पांच लाख रुपए हर महीने कमा पाएंगे इस तरह से होता है ठीक है बिकॉज ये मनी की फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी पूरी होती है लेकिन यू हैव टू बी इन दैट जोन हांजी A man recently told me this story a few years ago. He was trying to make, make it as a stand up comedian. He bought this book and tried to visualize himself as a successful comedian. Try as he might, he simply could not get a clear picture of, of this happening. Yeah. He took this as a message to examine his goals. After much soul searching, he returned to school and became a minister and psychotherapist, which he loves. Now he is also a talk show host on a popular national television show which focuses on metaphysical and paranormal phenomena. This unusual combination of careers suits him perfectly. In this case,

उसको टेलीविजन होस्ट शो बनना था और आज वो बहुत ही पॉपुलर टेलीविजन का होस्ट शो है और वो जो मेटाफिजिकल वर्किंग ऑफ द माइंड है उसके शो होस्ट करता है मेटाफिजिक्स इसी को बोलते हैं जो हम जो पढ़ रहे हैं ना आजकल दैट इनविजिबल विजिबल रेल से हमारी प्रेज आंसर होती है जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं Uh, किस तरह से माइंड माइंड वर्किंग जो होती है विजुअलाइजेशन की टेक्निक या एफर्मेशन की किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है तो इसलिए कॉन्शियस रह के सोचना बहुत जरूरी है कि आपको क्या वो जिंदगी कोई भी चीज अगर मन में आती है कोई भी वर्ड अगर ऐसा होता है ठीक है तो जो आप नहीं देखना चाहते हो तो उसको आप यूज मत करो उसको जबान पे मत लेके आओ ठीक है कोई भी ऐसी चीज तो इसीलिए बोलो ही मत जैसे कभी कभी होता है ना दैट हम uh, Uh, we we say things like oh shit or something, right? I mean we do use this word a lot, especially आजकल के millennials and Gen X में बहुत common है ये वाला word oh shit निकल जाता है. So this word you should not use because your life will become shitty. Actually, ठीक है? जब भी भी आप देखना कि ये इसीलिए जो younger generations हैं, ठीक है? थेके? इन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इनके लिए enjoyment होता है कि घर से दूर जाना सिगरेट स्मोक करना ड्रग्स लेना या कोई ऐसी चीज डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना ठीक है या अल्कोहल बहुत सारी लेना तो जैसे ये छूटते हैं अगर अगर, अगर यू नो टीन एजर बच्चे या ट्वेंटीज में बच्चे कहते हैं कि हम एक स्टे ओवर के लिए जा रहे हैं इसका मतलब है उनको उल्टे पुलटे काम करना है क्योंकि इनका ग्रेटिफिकेशन उसी से आता है ठीक है बिकॉज वो अंदर से नहीं है तो मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो फ्यूचर ग्रुप है मैजिकल ग्रुप उसमें छोटे छोड़ छोटे बच्चे हैं आप सोचो वो बड़े होंगे तो उनको कितना ज्यादा सेंस होगा उनको ये भी पता होगा कि ठीक है अगर हमको कुछ हमको एक ब्रीजर पीनी भी है तो हम अपने डैड से बोल सकते हैं और हम अपने मोम डैड के साथ बैठ के कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत कूल है ठीक है और मोम डैड कूल होते हैं आजकल है ना मतलब अगर आप लोग के बच्चे कोई बोलेंगे कि उनको भी ट्राई करना है उनको बियर का टेस्ट देखना है तो आप उनको मारोगे थोड़ी मतलब आप बोलोगे कि ठीक है जो करना है आप हमारे सामने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बट हमारी आंखों के सामने या कुछ ऐसा या दे विल नो दे विल ऑलवेज टेल यू दे विल बी ऑनेस्ट विथ यू करेंगे भी तो बता देंगे है ना जैसे अगर उनको करना भी होगा तो वो आपको बता देंगे कि मैं उस पार्टी में गई थी मैंने कल एक ब्रीजर ले ली या इस तरह से कर लिया तो उस उस तरीके से वो ए, मतलब वो सिचुएशन नहीं आएगी पीपल आर गोइंग टू बी यू नो लाइक दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये सारे बच्चे जो है, इतना हैं इतना कनेक्टेड हैं ग्रेटिट्यूड से और ये सारी चीजें सो so ये सारी मेटाफिजिकल साइंस है किस तरह आप अपने गोल्स को रियलाइज कर सकते हो कैसे एफर्मेशन से चीजें होती हैं कैसे कॉन्शियस रहे कि हमको चीजें करनी होती है क्या सही है क्या गलत है किस तरह कोर्स है ना ये सारी चीजें तो इसी में इस तरह से इस पर्सन का जो एग्जाम्पल बताया था इसका जो फ्यूचर था वो एज अ टेलीविजन होस्ट होना था तो ये बार बार अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह विजुअलाइज करता था इसको विजुजी नहीं आते थे है ना क्योंकि सबकॉन्शियस सपोर्ट ही नहीं कर रहा था अलाइन अलाइन थॉट नहीं था इसके लिए इसके लिए अलाइन थॉट कुछ और था तो फिर उसने किताबें पढ़ी अपने आप हंचेस हंचेस आते गए और किताबें पढ़नी शुरू की फिर वो टेलीविजन होस्ट बना और वो भी मेटाफिजिकल चीजों के ऊपर ठीक है वो फिर उसने अपना नया डायरेक्शन लिया और इसीलिए कभी कभी होता है दैट सबकॉन्शियस माइंड नहीं अलाइन करेगा नहीं सपोर्ट करेगा आपके थॉट्स के साथ में आपको नई वो विजुअल्स आएंगे आपको बार बार कुछ और विजुअल आने लग जाएंगे इसका मतलब है दैट यू नो आप आपकी किस्मत कुछ और है एक्चुअली एंड मे बी ये नहीं है जो चीज मैंने अभी बताई थी आई आई थिंक ऑलरेडी एड्रेस्ड दैट जॉब बिजनेस इन सबसे अच्छा होता है दैट यू नो आप पैसे के लिए करो और आप देखना अगर बिजनेस आपका कोई और बिजनेस सपोज आपका गार्मेंट्स का या टेक्सटाइल का कोई बिजनेस आपके डेस्टिनी में है आपका कहीं से वो शुरू हो जाएगा तो पैसा उस जरिए से आ जाएगा इसीलिए पैसे मांगो बिजनेस कहाँ से वो आना है कैसे आना है वो पैसे को मालूम होता है कि आपकी जिंदगी में कैसे आना है Okay, that is what. One second. Wow, Very chapter. Its name Prosperity. Prosperity. A very important part of the whole creative visualization process is developing a sense of prosperity. This means having the understanding, or consciously taking the point of view that the universe is abundant, that life is actually trying to bring us what our hearts and souls truly desire spiritually, mentally, emotionally, as well as physically. Almost everything you truly need or want is here for the asking. You only need to believe that it is so, truly desire it. And be willing to accept it. One of the most common causes of failure when seeking what you want is scarcity programming. This is an attitude or set of beliefs about life that goes something like this there is not enough to go around, life is suffering. It is immortal or selfish to have enough when others don't. Life is hard, difficult. A veil of tears. You must work hard and sacrifice for everything you gain. It is more noble and spiritual to be poor. These are all false beliefs. They are based on a lack of understanding of how the universe works or a misunderstanding of some important spiritual principle. These beliefs are not of service to you or anyone else.

प्रस्पेरिटी <laughs> नहीं अब वुड बी प्रोस्पेरिटी इज रिलेटेड टू मनी है ना प्रोस्पेरिटी इज रिलेटेड इट इज लाइक समृद्धि समृद्धि ओके समृद्धि तो यस सो प्रोस्पेरिटी इज रिलेटेड टू मनी यर दैप्टर इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मनी क्यूँकी उसमें पुअर और रिच का रेफरेंस है तो पुअर और रिच का तभी होता है जब पैसे के साथ इसका एसोसिएशन है टी so, <coughs> uh, हम लोगों को एक मेंटल बिलीफ है कि uh, पैसा वेरी क्लियर कट एग्जाम्पल सो माई एल्डर सन सो ही ऑलवेज है इज नॉट सो मच मतलब बहुत ही सीधा साधा बच्चा यू नो लाइक हीज एन आर्किटेक्ट काम करता है बिल्डिंग्स uh, बनाता है डिजाइन करता है बहुत ज्यादा क्रिएटिव और बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन ठीक है तो वो हमेशा कि क्या और मैं बोलती रहती हूँ मतलब आई एम लाइक आई लव फ्लाइंग बिजनेस क्लास एंड हैविंग लाइक हम हमारी जिंदगी अलग ही है ना अलग अलग ही ट्रैक पे चलती है तो मैं कोई भी जब ब्रांड्स और ये कुछ भी ऐसे लेना होता है तो ही ऑलवेज यू नो इसकी मुझे नहीं लगता कि यू नो लाइक बहुत ज्यादा होना चाहिए अलग है, मेरी अलग है मेरी जरूरत ये है तुम्हारी जरूरत ज्यादा नहीं है तो ही इज ऑलवेज लाइक ठीक है तो उसके बाद वे वी गो ऑन हॉलीडेज और एनी वेयर ऑन वे और इवन अदरवाइज टू यू नो लाइक है Usual dinners at any of the best outlets, you know, which is like really luxurious, then he enjoys. Huh? And then I say, see, this is what, no? So I said, this is what mama says that this, it matters. Money matters because with money, of course, money doesn't buy everything, but it can buy a lot of things that you've always wanted to do, isn't it? So this is how it beautifully works. So मे मेरी ये आदत है कि मैं अः यू नो हमेशा खूब सारे यूएसडी होते हैं मेरे पास हमेशा कभी भी मतलब मुझे अगर परसों भी किसी फॉरेन ट्रेवल पे जाना है तो हमको पता है था कि सो

And then, you know, since I travel so much and he does all my currency exchange because I'm always busy, and then, you know, like, so now he realizes that yes, money is so important, you know, like it can, it cannot buy you everything, but it can buy a lot of things, you know, definitely. मतलब सो दैट्स हाउ हमारे जो पुराने बिलीव हैं कि बहुत पैसा नहीं पैसे से दिमाग खराब हो जाता है पैसा लोगों की बुद्धि खराब कर देता है पैसे से लोग बिगड़ जाते हैं बहुत पैसा है गलत तरीके से ही ज्यादा पैसे आते हैं अगर ऐसा हमने पास्ट में बोला है सो इट सेज दैट ऑल दीज बिलीव आर फॉल्स इसका मतलब है ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है दैट यूनिवर्स कैसे काम करता है और बहुत सारे मतलब इट इज नॉट दैट बेंटिनो मेसारो और टोनी रॉबिन्स ये सब क्या सिखाते हैं खूब पैसे कमाओ जिंदगी जीने का मजा आएगा और पैसे कमाओ जितने ज्यादा कमा सकते हो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वो कमाओ लेकिन हाँ इट शुड कम इन टू फ्यूचर ऑल्सो फॉर नॉट जस्ट फॉर आर सेल्व फॉर अदर्स ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यू नो हाउ बिकॉज ऑब्बियसली इफ यू आर अर्निंग मनी आई फील दैट इट इज थ्रू सम समनेस इन सोर्स वेर अदर्स ऑल्सो इन्वॉल्व नो सो वेन वेन यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी और वेन यू रिसीव अ लॉट ऑफ मनी तो आप बहुत ज्यादा इकोनॉमी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हो मतलब आप बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स में आप यहाँ की एम्पोरियो मॉल में जाओगे जो खाली पड़ी रहती है या चाणक्य मॉल में जाओगे जो बिल्कुल खाली पड़ी रहती है मतलब आप एक नॉर्मल मॉल में जाओ और आप एक चाणक्य मॉल में डेली में जाओ आपको क्राउड ही नहीं मिलेगा वहां पे गिन के अगर फिफ्टी पीपल ऑल्सो देर इट इज अ वेरी बिग डील देव ऑल्सो कम टू जस्ट रोम अराउंड एंड टू सी द ब्यूटी नो एट द बिलिंग काउंटर यू डोंट सी एनी ठीक है एंड बेचारे वो लोग इतने बड़े बड़े मतलब इतने प्रोमिनेट जगह पे ऑफिस लेके मतलब स्टोर्स, स्टोर्स लेके वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं इतना एजुकेटेड स्टाफ होता है अगर आप जैसे गुची के शोरूम में गए इतना अच्छा क्राउड द हाईली एजुकेटेड पीपल देव डन द एमबीएस फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन दैर वर्किंग एज अ सेल्स मैन एन द गुची बिकॉज दे गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ मनी देयर तो आप इन स्टोर से जब आप पैसे खरीद रहे हो तो आप बहुत बड़ी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हो ना मतलब किसी भी तरह अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अगर आप तीन कंट्रीज भी ट्रैवल किए तो आपने आ, अपनी सपोज आपने एयर इंडिया बुक किया या जो भी बुक किया फ्लाइट्स को तो आप ग्लोबल इकोनॉमी को तो सपोर्ट कर रहे हो ना मनी सर्कुलेटिंग नो लगातार सो इट इज गोइंग टू द एलायस द स्टाफ उन लोगों को भी तो सैलरीज मिल रही है जो हम पैसे देते हैं उसी तो उनको सैलरी मिलती है सो so, ये बहुत मिसकॉन्स्ट्रूड दिस थिंग है दैट पैसा से दिमाग खराब हो जाता है बिकॉज यू नो दूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव यू अबेंस मनी इज एन एनर्जी एंड यूनिवर्स वीव यू ऑल सो इट सेज दैट दीज बिल्स अर नॉट ऑफ सर्विस टू योर एनी वन एल्स अगर आप ये सोचते हो कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए या पैसे से दिमाग खराब हो जाता है सो इट से शक्ति गबेन के हिसाब से ये सिंपली दे लिमिट ऑल ऑफ अस्ट फ्रॉम रियलाइजिंग आर नैचुरल स्टेट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड प्लेटी एट ऑल लेवल्स तो अगर मनी को आप ब्लॉक कर रहे हो कि नहीं मेरे पास तो जितना है बहुत है मुझे और नहीं चाहिए इसका मतलब है आप अबंडेंस को अपने जिंदगी के हर एरिया में ब्लॉक कर रहे हो ठीक है दिस इज वॉट बेसिकली इट मींस कितना और है अदरवाइज विल हैो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वैसे सो या दैट इज इट थैंक यू मीतू थैंक यू फॉर रीडिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दीप्ति मैम भारती मैम एंड एवरीवन गुड मॉर्निंग चंचल यू वांट टू शेयर समथिंग नो मैम मैं काफी दिनों के बाद कैमरे पे आई हूं अच्छा हाँ आपका कैमरा ऑन नहीं रहता है बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑन नहीं रहता यस मैम एक्चुअली मेरे इंडिया में ये सुबह सुबह का टाइम होता है ना <laughs> जब हमें लगता है वी आर नॉट लुकिंग बेस्ट बट डजेंट मैटर तो नो, नो, सुबह तो तो मेरी आईज ओपन नहीं होती है मतलब मैं उठ जाती हूँ बट मैं आईज ओपन नहीं कर पाती तो मैं फिर ऐसे ही सुनती रहती हूँ मैं एवरी डे आपकी क्लास अटेंड करती हूँ रेयरली होता है की अगर मैंने अटेंड नहीं करी तो उस दिन मैं YouTube YouTube पे देख लेती हूँ अच्छा वेरी गुड सुनैना आपको चंचल को बोलना चाहेंगी बीमारी के बारे में मैं। इनको मैं। क्या करना चाहिए आपका अचंचल अगर आप दो महीने से भी हमारे सेशंस में हैं तो आपकी दवाई बहुत ज्यादा हद तक पेपर हो चुकी होनी चाहिए और गायब हो जानी चाहिए थी yes मैम मैं प्रे करती रहती हूँ और वो जो भी आप सारे टिप्स बताते हैं उनको फॉलो करती हूँ so now you should your health has to get better so that you can sleep on time so what you can also do is whatever medications are to be taken post dinner please eat your dinner at 7 o'clock and take them and go to bed by 10 so that you can wake up fresh yes ma'am thank you thank you Anna? And uh, see that you reduce your. Khana, khana should be eaten by 7 pm. That's for everybody. Okay. Otherwise, okay. you will have a weight problem. बॉडी विल बी मोर एसिडिक इन नेचर एंड जब खाने एक इंडियन मील को थ्री एंड हाफ टू फोर आवर्स लगते हैं डाइजेस्ट होने में एंड बाय द टाइम यू गो टू बैट यू शुड नॉट है इन योर स्टमक बिकॉज वो हिंडर करता है मेलाटोनिन हार्मोन जो स्लीप हॉर्मोन होता है उसको निकलने से निकल अमल इट डज नॉट अलाउ मेलाटोनिन टू रिलीज फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड ओके एंड मेलाटोनिन इज अलीप हॉर्मोन सो आपको नींद नहीं आएगी और नींद आएगी भी तो टूट टूट के आएगी So, it's always better for all of us to finish eating at seven o'clock, seven in the evening. Make it a routine. Okay. Then you see that you will enjoy the health of the next level. I mean, like for everybody who's got any comorbidity, like a blood pressure or anything for that, like a high cholesterol or a fatty liver or anything for that matter, finish eating. And for people who, who have the best of health, finish eating by seven o'clock maximum. 7 30 okay only then you will see that your health will start it's also a little bit of wise action that we need to take that and of course go for your regular walk don't procrastinate. it's very important to move okay Mo human body is made for movement um there are some joints which are 360 degrees flexible like the wrist, the neck, um you know uh, the ankles so try and move your joints move your body more and more you move your body you will see that you know your cells start responding in a different way and you start releasing a lot of energy so at least if not more 30 minutes Okay, in one of my books, I've written that a 30 minute walk every day can do more for your long term health than all the efforts of the dozens of doctors and their medications. Okay, so it's very important for us to move. Excuses they could move, karne ke. you know, go get your own glass of water, answer the doorbell, uh, keep your plate in the sink, uh, take your own glass of water, uh, you know, like whatever it is, pick up the remote yourself. Uh, switch on the fan yourself even if somebody is standing near the switch you know try and get up from the bed and put it on yourself these little little things will start increasing your metabolism and you will see the difference in your health and a circulation but koi go out for a walk every day going out for a walk in the outdoors is also connecting to the five elements ओके सो एज आई मेन्शं यस टे टू एवरी ट्री ऑब्जर्वर इफेक्ट लुक एट द ट्री एंड से थैंक यू एंड आई लव यू ओके देन लुक एट द फ्लावर एंड से थैंक यू आई लव यू इवन इफ यू आर लुकिंग एट फाइव ट्रीज एंड थैंक यू आई लव यू विद एन ऑब्जर्वर इफेक्ट ऑब्जर्व करके देख के उनको आंखों से आंखें मिला के पेड़ के साथ सो देन यू सी देन To the air. So when you go out in the morning for a walk, or when you're supposed driving to work and you see the sun, always look at the sun. Look and say, Thank you and I love you so much. Okay. Then the air that you breathe, which is one of the five elements. Thank the air. Thank you. I love you for keeping me alive. So here, then, then look at the space all about opportunities, growth, success, prosperity, all comes from the space. Okay. Well, so say thank you to the space for giving you space to live on this earth. Every day when you're walking, do your magic walk. Okay, gratitude. Thank you. Thank you. Thank you. Just an empty magic walk. You're just saying thank you. Do that. So th these are the ways that you can keep your health internally healthy because body is made up of five elements. So Chanchal, this is also for you. And you live on the hills, you know. So you have so much to be grateful for. Beautiful air there and everything so when we do all these things uh, the five elements when we say thank you to the five elements any medical breakdown that we have inside our body will be taken care of because every disease in the body is an imbalance of five elements whether it is blood pressure whether it is indigestion whether it is diarrhea whether it is whatever okay everything is the imbalance of uh, five elements so when you saturating five elements with gratitude and every day you're saying thank you i love you you will see the effect of that being exerted instantly without any time and space gap because energy does not have time and space gap at all instantly you will see the result happening in your body तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जितना ज्यादा नेचर को कनेक्ट हो रोंडा बन ने इसमें लिखा हुआ एक मैजिकल एयर वाला चैप्टर आएगा बाद में उसमें दट जब आप अपनी जिंदगी के बाहर की इन खूबसूरत चीजों को जब आप ड्यू ड्रॉप्स को ग्रास को फ्लावर्स को नेचर को हवा को आ, सन को मून को सेलिब्रेट um, करने लग जाते हो उन्होंने सेलिब्रेट वर्ड नहीं यूज किया था ये मैं कर रही हूँ ठीक है जब आप सेलिब्रेट करने लग जाते हो जैसे सनसेट को सेलिब्रेट करोगे आप उसके लिए ड्रेस अप हो रहे हो आप अपनी फेवरेट ड्रिंक पी रहे हो आप एडमायर कर रहे हो और सनसेट बिकम्स लाइक एन इवेंट इन योर लाइफ ठीक है अगर आप कहीं पे वेकेशन पे हो या वैसे भी अगर सनसेट आपको दिख रहा है आपके घर से दिखता है सो यू विल सी दैट वॉट द सन कैन डू फॉर यू इट इज द यूनिवर्सल फोर्स Okay, that means that you have made best friends with the God and now wait to see the result. That's how it actually works. So all these little things are also what we need to do. Agar hamare health may challenge or meditate karo. And of course, reading, writing, meditation, um, you know.

मतलब इसीलिए आप सनराइज के साथ अपना दिन शुरू कर रहे हो तो आपकी बॉडी में बहुत हाई मेटाबॉलिज्म रहता है और सनसेट होते होते कहते हैं ना दैट ह्यूमन बॉडी इज इन टैंडम विद द सन मूवमेंट सो इट इज राइज विद द सन एंड सेट विद द सन ओके लाइक दैट तो धीरे धीरे जब सनसेट होता है तो हमारी बॉडी का भी मेटाबॉलिज्म क्वांटम लेवल पे एनर्जेटिक लेवल पे सब कुछ स्लो होने लग जाता है ठीक है उसके बाद अगर आप ठूस ठोस के खाना खा रहे हो और आप जिम जा रहे हो और रात को लेट नाइट तक कुछ कुछ कर रहे हो तो इसका मतलब है आप यूनिवर्स की रिदम को आर ब्रेकिंग है ना यू आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द सनराइज एंड सनसेट साइकिल सो व्हेन यू ब्रेक द रिदम ऑफ द यूनिवर्स बिकॉज योर बॉडी इज इन टैंडम विद सनसेट सनराइज साइकिल सो यू आर अपोजिंग इट सो इट्स लाइक बीटिंग योर हेड ऑन द वॉल ओके सो हु विल यूनिवर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हम बीमार पड़ने लग जाएंगे ठीक है तो ऐसी ये वाली चीजें भी हमको बहुत हेल्दी रखती हैं एंड फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली इसीलिए मैं बोल रही थी कि सात बजे के बाद मेटाबॉलिज्म इतना कम हो जाता है कि डाइजेशन के लिए एनर्जी नहीं रह जाती है और डाइजेशन बहुत ज्यादा थर्मोजेनिक प्रोसेस होता है ही एनर्जी कंज्यू कंज्यूमिंग प्रोसेस आपने देखा है कभी दोपहर को खाना खा के आपको नींद आ जाती है या कोई भी चीज ऐसे हैवी कुछ खा लोगे पूरी आलू खा लोगे तो नींद आ जाएगी आपको बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म ड्रॉप शार्पली ओके सो ऑल ऑफ यू हु थिंक यू शुड बी लूजिंग योर वेट यू डू दैट एंड यू विल सी एन अमेजिंग रिजल्ट इन योर हेल्थ इवन अदरवाइज लाइक जो आपको एसिडिटी इन डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन डायरिया यू नो ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग, ये सब भी जो होता है नी पेन्स ज्वाइंट पेन्स तो ये सारी चीजें भी उससे ठीक होने लग जाती है और पानी बहुत सारा पियो नथिंग लेस देन फोर लीटर्स इन अ डे एक ह्यूमन किडनी करीब दो से ढाई लीटर यूरिन निकालना चाहिए तभी आपकी बॉडी हेल्दी रहती है क्योंकि हमारी बॉडी में इतने टॉक्सिन होते हैं आजकल जिस जिसको निकलना यूरिन के जरिए से बहुत जरूरी होता है तो अगर दो से ढाई लीटर अगर आपका यूरिन निकल रहा है इसका मतलब है कि आपको ढाई लीटर से ऊपर पानी पीना पड़ेगा सो यू नीड टू ड्रिंक अबाउट फोर लीटर्स ऑफ वाटर ओनली देन यू विल बी यूरिनेटिंग अबाउट टू 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 एंड हाफ लीटर ऑफ यूरिन विच इज मैंडेटरी ओके एंड Your body knows how to do all the metabolic activities in the medium of water. Human body is 72% water. Okay, so we don't want the blood to become thick, right? It will flow very slow if the blood becomes thick. We don't want because blood is carrying oxygen and everything, no? So you will feel very weak and lethargic and fatigued. Jin low be fatigue, jin bhi stress, anxiety, is because brain is 85% water. Okay, so people who drink anything less than four liters of water will not be able to, uh, you know, enjoy the best of health. Okay, so these little things also and early morning waking up and sleeping you're already doing because six o'clock we start the session. So it's a very beautiful way of being physically, mentally and emotionally healthy. Okay, so that's already happening. So thank you, Chanchal, that I could at least, <laughs> you know, like, give all these thank little tips you, that comes from my profession. <laughs>

ठीक है तो इसलिए पानी अच्छे से पियो वर्कआउट करो सारी चीजें इवनिंग में तो जल्दी खा लेते हैं फिर फिर आफ्टर डिनर जो है वॉक करने जाते हैं हाँ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है आफ्टर डिनर मूव करो थोड़ा सा हल्की वॉक है ब्रिस्ट वॉक तो अलाउड नहीं होती है हल्की वॉकी हल्की वॉक करते हैं वेरी गुड हाँ जी जी मैं आपको कुछ बोल रहा है फटाफट आज वर्क डे है टाइम से ऑफिस भी पहुंचना है गुड मॉर्निंग मैम नहीं बस मॉर्निंग हाँ मैम वही शेयरिंग था कि भाई आपने बोला ना कि आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो तो बस मैंने वो ही थोड़ा पूछा तो अंदर से एकदम से आवाज़ आए बी पेशेंस तो फिर मेरा एक ट्रस्ट स्ट्रेंथन हो गया कि भाई नहीं वो हमें पता है कि कई चीज़ों में थोड़ा शांति से बैठ जाए तो वो अच्छा रहता है तो हाँ। फिर वो बी पेशेंस तो एकदम से ऐसा कोई थॉट भी नहीं था मैम पेशेंस का और एकदम से आ गई तो फिर मैं स्ट्रांग हो गई कि अब तो रखना ही है और फिर दूसरा मेरी मैम एक ड्रीम कम ट्रू हो गई जब मैं डी डी एच एंड कर रही थी आई थिंक टू थाउजेंड ट्वेंटी में तब आप कभी कभी हमारे अहमदाबाद सेंटर पे आते थे वो क्लास लेने आई थिंक थ्री फोर मंथ में सिक्स मंथ में एक बार तो मेरे कोई क्लास के नहीं आते थे तो फिर मुझे ऐसा लगता था ये मैम के सेशन बड़े अच्छे रहते हैं तो फिर मैम कितना अच्छा है मैम बोलते हैं ईच एंड एवरी सेंटेंस इज फुल ऑफ नॉलेज एंड एवरी थिंग तो फिर मुझे लग तो फिर धीरे 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 मैम सेशन में आ गई अब छः वाला साढ़े सात वाला अभी सब ले रहे प्रिया मीना सब ले रहे पर वो आपके एक और से निकलता है तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं मैम अब रात वाला मम्मी को बिठाया डॉटर को बिठाया तो फिर मैम थैंक यू ऑल एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू सो मच अब इतने सारे चैंपियंस ये सब सब मास्टर हैं प्रिया और मीना और एंड सुनैना एंड प्रियंका एंड अनु

so but then thank you so much this is how love has to spread na दीपा ये हमारा छोटा my, my is like mere like, like, mere uh, मेरे ताया जी mummy papa taya ji की बुआ जी मासी मासर मतलब मैंने अपने पूरे लाइक जितने भी सबको मैंने बोला सबको सब, सब मुझसे पूछते तू कैसे ऐसे बनी तो मैंने बोला दिस इज द आंसर वो कल वो लोग आज वो लोग लॉग नहीं कर पाए बट दिस इज द आंसर मैं ऐसे कैसे बनी सो बोल के आप नहीं इतना बता पाते तो बेटर जब वो लोग आएंगे देखेंगे सीखेंगे करेंगे तो इट इज लाइक यू नो इट्स अ पे इट्सो ना हमने भी तो उन लोगों से कितना कुछ सीखा है तो अब हमारी टर्न है लाइक सो दिस इज द और मैंने दीप्ति को बताया भी था मे, मेरी ड्रीम लिस्ट में एक बहुत बड़ा ड्रीम मैं पिछले डेढ़ साल से लिख रही हूँ कि मुझे एल्डरली और यूथ के लिए एक एनजीओ खोलना है तो दिस इज अ वे जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे कि वर्स के अपने अपने तरीके होते हैं तो आई टुडे लाइक रियली फील्ड कि

सो so, मुझे नहीं मालूम था मैंने गूगल से कोई और चार नाम उठा के लिखे थे तो बिकॉज मुझे तब कनाडा के कार्स के लग्जरी लग्जरी नेम्स नहीं मालूम थे बट इन अदर वे एक कार आई है सो अगेन इट इज लाइक यूनिवर्स हैज अ बेटर वे टू डिसाइड कि कौन सी कार आनी चाहिए यू नो बट वो एक बहुत और ये मैं वन पॉइंट फाइव ईयरस है दीप जब हमने बिल्कुल मैंने बिल्कुल लिटरली सीखना शुरू किया था कि गूगल से सर्च कर करके नेम विद द अमाउंट सो

मिलता जरूर है।, है और वो कनाडा में गाड़ी थी तो वो इंडिया में कैसे मिल सकती थी इंडिया में तो तो ये लेट यूनिवर्स नहीं कर सकते हम आपने डिले किया डिले हमने किया वहां जाने में है ना नहीं वो भी एक पर्पज था ना वहां जाके वो बुक लिखना और देखिए वहां जाने का भी पर्पज था और वहां से वापस एक नेम और फेम exactly. लेके आने का भी पर्पज था कर रहे हैं अभी हम <laughs> एक दीप्ति मैंने ना स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आपको एक लाइन बोलनी थी वो जब भी ये चैप्टर आता है तो उसके सबसे पहले कोर्ट में दूसरी लाइन आती है who rekindled re your, uh, uh, re your, your fire something? your fire Rekindle uh, your, uh, re re your flame from another person second line yeah. Jabbi yeah. Hai, it, yeah. the only name comes into your into my mind is you because mm -hmm. you rekindled mm -hmm. my flame you know so that line is always From, like, मैं अपने आप को मन में आपको वो डेडिकेट कर देती हूँ लाइन so, hmm. yeah. है वो फर्स्ट कोर्ट की सेकंड लाइन कोर्ट में ही है main में हाँ, जब स्टार्ट होते उसकी सेकेंड लाइन है सो दैट इज लाइक में कॉमन थिंग सुनैना जब भी पैराग्राफ की सेकेंड लाइन आती है ना तो हमेशा दिखती याद आती है बिकॉज वो री केंडल वर्ड जो है ना इट्स लाइक बुझी हुई बत्ती को फिर से जलाना एक्चुअली तो 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 ग्रेटिट्यूड इतने डेप्थ में हमको कहाँ पता था हम थैंक यू तो बचपन से बोल रहे हैं मॉरल साइंस भी पढ़ी थी स्कूल में जी, लेकिन जी, इस डेप्थ में ग्रेटिट्यूड और जिंदगी जीने का तरीका एंड नोइंग दैट इवन व्हेन द प्रॉब्लम इज कमिंग यू हैव टू से थैंक यू टू द प्रॉब्लम फॉर इट टू कम बिकॉज इट इज कमिंग टू इधर टीच यू समथिंग और इट इज इट वॉन्ट्स यू टू टेक अ यू टर्न फॉर गुड यू नो सो ये हमको कहाँ पता था इट इज लाइक एन अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ you know gratitude the energy it's a world of energy basically so gratitude is nothing but an energy a very very powerful positive energy gratitude and love right so yeah thank you so much thank you everyone thank you thank you for the energy wish you the best of your trip thank you thank you so much i will safe travels sarita ji Bye 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 bye. bye. Love you Thank you so hey. much, and have a day full of fun, joy, laughter, brilliance, happiness. We're so same.